दा भाई बबलू पूरा कुर्ता पजामा में गार्ड रखा है नुको कर है जमीदार है ये बालक। अरे वाह भाई वाह, बस ये लाइन खातिर मैंने कैमरा ऑन करया था मेरा तो ना। अच्छा चलो कुछ तो फायदा हो गया। चलो स्टार्टिंग कर दे व्लॉग की। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल, ये मेरा भाई बबलू पडवाल। ओए मैं भूल गया यार। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज योर होस्ट रचित पंगाल, आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। चलो भाई, जैसे कि आप देख रहे हो हमें, हम तैयार त्यूर हो गए, चल रहे हैं। हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारे फंक्शन है छोटा सा, तो बस फंक्शन को एंजॉय करते हैं, साथ में खाना खाते हैं। हाँ एक राउंड तो हो गया, दूसरे की सेकंड की बात करेंगे। सेकंड एंड थर्ड की रह रही है अभी। क्या हमारी मॉर्निंग की स्टार्टिंग ऐसे हुई है, माता जी तैयार हो रही है इतनी ज्यादा, और एक सेकंड बहना ठीक है कर रही है तुम? ये मैं मानू पार्लर सर्विस दे रही थी। नमस्ते मौसी जी, बबलू की मम्मी है ये, और आप लोग अगर मौसी दिखाना सर्विस, मानू पार्लर सर्विस की, काम तो सही है, काम सही है। और आप लोग अगर कंफ्यूज हो रहे हो कि इतनी मौसियां, तो हमारे सही में इतनी मौसियां हैं। अभी तो और आने वाले हैं। आपने किसी और की जरूरत नहीं है, फंक्शन में हम इतने मेरे मामा वो अमेरिका में है, मामा जी मेरे एक ही हैं, वो है आए नहीं है, और वो फैमिली फंक्शन है हमारा, अभी फैमिली फंक्शन है, आते तो लेकिन अचानक से फंक्शन है, प्लान बढ़ गया छोटा सा फंक्शन है इसलिए। बट ऐसे मम्मी आप कितने, छह मौसी और एक मामा? वैसे तो छह हाँ, लेकिन नाना के भाई की समेत नौ। हाँ मतलब वैसे तो टोटल, मतलब जो मेरे नाना जी, जो मेरे सगे नाना जी, उनके तो छह लड़कियां और एक मामा जी, मेरे मतलब सात बच्चे हैं, और दूसरे नाना के तीन, वो भी है सेम ही परिवार सारा एक ही है, हम एक भाई की लड़की है। तो नौ बच्चे, नौ मौसी, नौ मौसी, मामा एक मौसी, नौ मौसियों के दो दो तीन तीन औलाद। पर यूं है कि मौसियां हम सारे इंडिया में ही है, मतलब हरियाणा में ही, और मामा जी अमेरिका में हैं। और क्या हाल है? बढ़िया गजब। खा के तैयारी हो रही है तेरी? आज एक चार की। और खा सही है क्या? सही चल रही है मस्त। वो एलिगेटर देखे कितने कितने बड़े हो रहे हैं, एलिगेटर जैसे हो रहे हैं धीरे धीरे। पानी भी सही है, ठंडा, सेम टेम्परेचर ऊपर है भाई। चलो ये पता है इसकी वजह से टेम्परेचर सही है, अगर प्लास्टिक का होता तो दिक्कत हो जाती। अब ये प्लांट्स की भी थोड़ी वो होगी ना, इस पे छाया होगी। एक काम करेंगे ना, ये वाले पौधे इसके ऊपर कर देंगे, इसके ऊपर रखेंगे, उठा के रख देंगे, ये करना पड़ेगा काम। चलो करते हैं फिर, देख सारी इकट्ठी होगी। चलो भाई मानू भी तैयार हो गई है, अच्छी लग रही है, सही है। हम तो सारे तैयार हो चुके हैं, मैं अब जाके सेकंड चैनल पे वीडियो डाल ली है, आप जाके चेक जरूर करना थोरो रहला वाले चैनल पे। नाम बताइए मानू? टेल्स ऑफ थोरेन है। और लिंक कहाँ पे आ रहा है? लिंक डिस्क्रिप्शन नहीं, आई बटन, सॉरी। दोनों में डाल देंगे, आई बटन में। ठीक है। क्या कर रहे हो मम्मी? अरे मम्मी ने छुपा ली पापा, मौसी एक मिनट दिखाइए। पापा जी देख रहे हो ना? अभी पता क्या हुआ, मम्मी क्यों छुपा रही थी गिलास, एक्चुअली पापा ने मना करा हुआ मम्मी को गिलास वो लाने के लिए, और मतलब कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए, और फिर वो पी रहे थे, तो मैंने वीडियो इसलिए बनाई कि पापा को पता चले, इसलिए वो छुपा रहे थे, ये मजा इसलिए चल रहा था। तो बबलू राइडर पहले चला रहे हैं। भाई हमने सोचा और कुछ तो मिल नहीं रहा, तो ये घर में खड़ी थी काट ली। कोई नहीं, आप राइड का मजा लीजिए।
बबलू कैसा लग रहा है? मुझे लग रहा है मुंबई के निखिल भाई से भी ज्यादा मजे तू ले रहा है। ये मजाक था भाई, भाई इतना लंबे लंबे टूर निकालते हैं पर खुशी उनको उसमें बहुत ज्यादा मिलती है। हम मेरे भी ड्रीम है कि मैं निकाल लूं ऐसे टूर, पर इन छोटी छोटी चीजों में भी हमें इतनी खुशी मिलती है और मजे लेने चाहिए भाई, खुश रहना चाहिए। ओह आप माउंटेनियर भाई, स्कूटी है ये, माउंटेन स्कूटी है ये, आप पहाड़ों पे भी चला सकते हो इसको। ऑफ रोडिंग करने के लिए जा रहे हैं, इजीली ये कहीं भी जा सकती है। और ये रचित पंगाल सर लद्दाख तक की राइडिंग करके आए हैं। कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस? बता नहीं सकता मैं आपको, बता दीजिए, कोई नहीं थोड़ा तो बता दीजिए। मजा आया मैंने से यहाँ पे ऑफ रोडिंग की आपने, माउंटेन पे भी चला के आए हो क्या आप? वो है माउंटेन, उस पे चलाना तो बताओ आप। नहीं अभी तो अच्छा नहीं लगेगा ऐसे। अभी ये सारा मजाक है, कहीं घर पे ट्राई करने लग जाओ, ट्राई करो तो हेलमेट वेलमेट पहन के करना। हम भी ऐसी सोसाइटी के अंदर ही चला रहे हैं, हम कहीं और कुछ नहीं चला रहे। देख हेलमेट तो बहुत जरूरी है एक्चुअली, हमने तो घर से बाहर निकालनी थी तो मैं कहा भाई आज अब लोग कुछ नई चीज है जो चलाते हैं, तो इसलिए हम चला रहे हैं आसपास। वैसे मेन सड़क पे नहीं जा रहे, जैसे यही घर है ना तो इसके आगे चला रहे। बहुत दिन के बाद खेल रहे हैं, बड़े दिन के बाद अच्छा कच्ची खेल रहे मेरे बच्चे, बड़े दिन हो गए इनको खेलने में। खेला खेल ले बेटे, खेल ले बच्चे, खेल रहे हैं मेरे अच्छा कच्ची। भाई ना फॉर्म में, भाई फॉर्म में, हेलो को ऐसे फोन में लाना पड़ता है। हेलो इधर आओ, हेलो आजा 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 आजा, हेलो ये चीनेंगे भाई चीनेंगे, वो बाज की मार भाई, हेलो ये ले ये ले, हेलो ये ले, खुश हो गया इसको स्टैंड वो देख के। फिर भाग के हेला, फिर भाग के। कैसे भाग गई है? आपको दिखा के भागे ना, मैं यहाँ पे था मैं, हेला रुक जाओ बहुत तेज। अरे ये टेंशन लेती है, यहाँ से भाग गई साइड में से। बिल्कुल सुबह का टाइम है और बबलू महाराज यहाँ बैठे हैं और वही हम कल नहीं कर पाए व्लॉगिंग बिकॉज की बहुत हेक्टिक शेड्यूल था। क्या कहना चाहोगे बबलू इस बात पे? तो ज्यादा हेक्टिक था मगर हमने एंजॉय किया पूरा और आप लोगों के लिए थोड़े बहुत क्लिप मतलब बनाया, जितना भी बनाया ये 10 मिनट का नहीं बना पर जितने मिनट का बना तो उसे एंजॉय करो और कल का व्लॉग के लिए वेट करना, कल का कुछ एक्साइटेड व्लॉग होगा। ठीक है चलो, ओके बाय। एक सेकंड, इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करते हैं। ओके बाय 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 बाय, हाँ ये बाय बाय।